नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। बिहार की राजनीति में एक नया उछाल आया है। आपको बता दें कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की चहलकदमी भी तेज हो गई है। ऐसे में एक पोस्टर कांग्रेस के संजीव कुमार की तरफ से जारी किया गया है। इस पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि संजीव कुमार सिंह को राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी बताया गया है और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की गई है। लेकिन इस बैनर में कितनी सच्चाई है और आखिर यह संजीव कुमार हैं कौन, इस बात की जानने के लिए हम उनसे सीधा फोन लाइन पर जुड़ते हैं और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करने वाले संजीव कुमार से बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे संजीव कुमार जी आप? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप तक? कुमार सिंह है जी, और मैं बिहार और झारखंड राज्य का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक प्रभारी हूँ, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर इंचार्ज कहते हैं जी। और ये मैं काफी समय से हूँ, जिस समय की डॉक्टर अशोक चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और झारखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव भगत जी थे, और उस समय से लगातार मैं अभी तक हूँ पर्यवेक्षक प्रभारी, जिसको इंग्लिश में ऑब्जर्वर इंचार्ज कहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। लेकिन आज अचानक आप ऐसे में पोस्टर जारी कर एक दावेदारी पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद की, इतने दिनों बाद क्या कहेंगे? आखिर थे कहां आप इतने दिनों से? मैं लगातार बिहार के चुनाव में प्रचार प्रसार, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, पहले 2004 से 2010 में जो प्रचार प्रसार की कार्रवाई चल रही थी भागलपुर जिला में लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा था, और आदरणीय राहुल गांधी जी की रैली मैंने एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कारगांव में करवाई, जहां से कि विधायक सदानंद सिंह हैं, और वो रैली का बहुत बड़ा आयोजन मैंने करवाया, मैंने अपने खर्चे से करवाया और आदरणीय राहुल गांधी जी को लेके वहां पे गए और लाखों लाखों की संख्या में लोगों को वहां पे जुटाया और कांग्रेस के विधायक को जिताया। लेकिन जब हमने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आपको नहीं जानते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि उनका सारा रैली का जो आयोजन था कालगांव के एनटीपीसी मैदान में जो आयोजन था, उसका रिकॉर्ड होता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, वो सारी चीजें मैंने करवाया था और जितना खर्चा हुआ था वो मैंने किया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव, भागलपुर लोकसभा चुनाव मुझे लड़ना था और आगे चल करके राजद के साथ गठबंधन हुआ, राजद ने धोखाधड़ी की और उस धोखाधड़ी में सदानंद सिंह खुद शामिल थे, तो ये बहुत विस्तृत बातें हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं, मेरे परदादा जी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे हैं, मेरे परदादा बाबू जी बिल्कुल। लेकिन संजीव कुमार सिंह जी, हम ये बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये व्यक्तिगत पोस्टर जारी किया गया है, ये इसमें या कांग्रेस का भी रोल है? नहीं, आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज से 4 महीने पूर्व ही मुझे बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे प्रोजेक्ट किया। लेकिन बिहार में तो गठबंधन की एक कांग्रेस की तो एक गठबंधन है ना, बिहार में महागठबंधन की है ना, तो आप ऐसे में कांग्रेस के दावेदारी कैसे पेश कर सकते हैं मुख्यमंत्री की? क्या 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 कह रहे हैं? बिहार में महागठबंधन में आती है कांग्रेस और इसमें अन्य दलें हैं, कांग्रेस मुख्यमंत्री पद की दावेदारी है, महागठबंधन में हमने किसी और दल, राजद और या और दल का ठेका नहीं ले रखा है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कांग्रेस की तरफ से हुई है, कांग्रेस की दावेदारी मेरी है मुख्यमंत्री पद की, राजद ने कांग्रेस का ठेका नहीं ले रखा है या कोई और दल ने नहीं ले रखा है, समझे? लेकिन बिहार में कांग्रेस महागठबंधन में आती है, और भी अन्य दलें हैं जो भी यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ भी वो गठबंधन करके आगे की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, ऐसे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो वो अपनी जाने, क्षेत्रीय दल पहले भी गठबंधन में थे ना, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बना कि नहीं, गठबंधन में रहेंगे तो मंत्री बनेंगे अगर सरकार बनेगी तो, जिस वो उनकी मर्जी है, लेकिन आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो है हमारी दावेदारी दी है और हमने उनके आदेशानुसार जो है कांग्रेस। लेकिन ऐसे में ठीक चुनाव के कुछ दिनों के पहले आपने पोस्टर जारी कर एक दावेदारी पेश किया मुख्यमंत्री की, ये कितना हद तक सही है? बता रहा हूँ,
आपको बता रहा हूँ, पिछले 4 महीने से 1 लाख पोस्टर बैनर पूरे बिहार के हर एक गांव में, हर एक जिलों में, हर एक कस्बों में बांटा जा रहा है। पटना में तो अब आया है। ये 4 महीने पहले हमने 1 लाख लगभग होल्डिंग पोस्टर लगाए हैं। बिहार के सभी गांवों में जाके देखिए, सभी चौक चौराहे पे जाके देखिए, जिलाओं में देखिए, कस्बों में देखिए, और कम से कम 20 लाख पंपलेट हमने बंटवाए हैं, जो कि 25 सूत्री कार्यक्रम हमारे हैं। इस 25 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर, जो मैनिफेस्टो के आधार पर आगे चुनाव लड़ा जाएगा। संजीव जी, आपसे पहले एक मोहतरमा आई थी और उन्होंने भी इस तरह का सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में एक विज्ञापन देकर काफी सनसनी फैलाया था मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन अभी वो गायब है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते। हम तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, पर्यवेक्षक प्रभारी है, ऑब्जर्वर इंचार्ज है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग पदों पे हम रहे हैं। हमने राजस्थान चुनाव में जो है संयोजक की भूमिका निभाई, महाराष्ट्र में संयोजक की, चुनाव प्रचार संयोजक की भूमिका निभाई, छत्तीसगढ़ में प्रचार संयोजक की भूमिका निभाई, मध्य प्रदेश में। तो क्या कांग्रेस बिहार विधानसभा की अगली चुनाव जो होने वाली है उसमें अकेले लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का कहना है कि कांग्रेस जो है किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगी। कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और बाकी दूसरी पार्टियां जो हैं, जो दूसरी पार्टियां जैसे कि आप कह रहे हैं, जो महागठबंधन की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास हैं और आगे किनको कितना सीट दिया जाएगा वो सारा चीज हम लोगों ने तय कर रखा है। और आगे अगर वो लोग गठबंधन में बने रहेंगे तो गठबंधन धर्म का ध्यान रहेगा, अगर वो गठबंधन में नहीं रहेंगे तो वो जाने। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मेरे रूप में दे दी है, यानी कि मैं संजीव कुमार सिंह कांग्रेस की ओर से बिहार का अगला मुख्यमंत्री का दावेदार। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी आज से 4 महीना पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने आपको ये उपाधि दी है। तभी से मैंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। लेकिन जब हमने यहाँ बात करने की कोशिश की कांग्रेस के अन्य नेताओं से तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया। तो किसने मना कर दिया? मैंने यहाँ के कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की तो वो सीधे तौर पे उनका नेता है, आप बोलिए ना, वो नेता वहाँ के, वो लोग नेता कौन है? मदन झा को अध्यक्ष मैंने बनाया है। मदन मोहन झा जो है वो हमारे पास आए थे आईसीसी में पैरवी करने के लिए, हमने यहाँ पे पैरवी करके उनको अध्यक्ष बनाया। वो हमारे सामने क्या बोलेंगे? हम पर्यवेक्षक प्रभारी हैं, हम उनसे बड़े नेता हैं। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं ये चुनाव के ठीक पहले इस तरह का मुख्यमंत्री का जो पोस्टर जारी करके, ये कितना हद तक सही है? देखिए, ऐसा है, ये 4 महीने पहले से ही चल रहा है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा तभी तो करेंगे, और प्रचार प्रसार बहुत सालों से चल रहा है, सभी जगह से चल रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं जिस समय की आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस समय से राजनीति में हूँ, और आदरणीय राजीव गांधी जी पटना के गांधी मैदान में आए थे, उस समय मैंने 10-11 हजार छात्रों को, कांग्रेस के यूनिट छात्रों को इकट्ठा किया था पटना के गांधी मैदान में, और उस समय आदरणीय राजीव गांधी जी ने मुझे मंच पे बुलवा करके समय दिया था। मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ कि उस समय आदरणीय राजीव गांधी जी ने मुझे मंच पे बुला करके समय दिया और भाषण देने का मुझे मौका दिया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कांग्रेस जो है आगे नेताओं को प्रमोट करती है, जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं उनको प्रमोट करती है। हमारी तो पीढ़ियां, हम बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज हैं, आप जान जाइए, आजादी की लड़ाई हमारे खानदानों ने लड़ी है। जी जी, हमारे परदादा जी जो है आदरणीय नेहरू जी के पूरे कदमों पे चलते हुए जो है बहुत सारे चीजों में काम दिया, और जो है गरीबों के गाँव के गाँव, भागलपुर जिला में कम से कम जिस तरह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की गई है, मुख्यमंत्री पद के बारे में आप जानते हैं, ये प्रदेश का एक पद होता है, सर्वोच्च पद होता है, वहाँ पे काफी सक्रिय होना पड़ता है और आपको तो कोई जानता भी नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए, 31 साल की राजनीतिक करियर है मेरी, और मैंने भागलपुर जिला से लेकर के पटना में जिस समय की ये लालू यादव और नीतीश और रामविलास पासवान ने षड्यंत्र रच करके कांग्रेस की सरकार गिराई थी, तीनों एक साथ मिले हुए थे और कांग्रेस की सरकार बनाई, जो
है गिरा दी थी इन लोगों ने मिलकर के। उसी समय मैंने पटना के गांधी मैदान में और गांधी स्टेचू के नीचे ये कसम खाई थी कि कांग्रेस की सरकार फिर पुनः बनाएंगे, और उसी सरकार को बनाने के लिए हमने जो है काफी मेहनत किया। आप पिछले चुनाव में जो हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी वो मेरे नीति के कारण, मैंने प्रचार प्रसार बहुत तेजी से जोर जोर से मेरे संगठनों ने जो मेरे लोगों ने साथ। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां साझा करने के लिए संजीव कुमार सिंह। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने वाले कांग्रेस के संजीव कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 4 महीना पहले कांग्रेस के तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की गई थी, जिसको लेकर वो लगातार प्रचार प्रसार में जुट चुके थे और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद पटना में आए थे। आखिर ये आने वाला समय ही बताएगा किस पोस्टर वार में कितनी कुछ सच्चाई है। तब तक देखते रहे बिहार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।